हर एक आदमी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी है. यू टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स, यू टॉक अबाउट द एडल्ट, इफ यू टॉक अबाउट द बिजनेसमैन, इफ यू टॉक अबाउट द जॉब पर्सन, एनी काइंड ऑफ अ पर्सन, कॉर्पोरेट लेवल के लोग, एवरीवन इज लाइक बिजी इन दिस पीरियड ऑफ टाइम. बट द थिंग इज दैट लाइक इफ यू डोंट, इफ यू आर नॉट इनटू फिटनेस, यू आर नॉट एबल टू अचीव एनी काइंड ऑफ अ गोल्स इन योर लाइफ. बिकॉज फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ अ मेंटल एक्टिविटी यू शुड बी फिजिकली फिट ऑल्सो. So yes, it's achievable and it's possible for a busy person or to do in day-to-day life. You see, like fitness एक अलग चीज़ हो गया, डाइट एक अलग चीज़ हो जाता है. Like fitness क्या हो गया exactly? For toning your muscle mass. Fitness एक ऐसा चीज़ हो गया जो आपके body को momentum में डालता है. Like anything, like if you have a इफ़ यू लाइक फॉर एग्जाम्पल आज आपको कुछ करना है, इधर से उधर कहीं जाना है, यू नीड सम काइंड ऑफ अ फिटनेस. बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग अ गुड अमाउंट ऑफ डाइट, दैट विल नॉट एड ऑन वैल्यू टू योर फिटनेस थिंग. हाउ? लाइक फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी में अगर पेट्रोल के बजाय डीजल डालेंगे तो उसका लॉन्ग लास्टिंग, लाइफ लॉन्ग कम हो जाता है. सेम चीज़ हमारे बॉडी में, इफ़ यू आर, हमारा बॉडी रनिंग में है, बट इफ़ यू आर नॉट गिविंग अ गुड फ्यूल टू आवर बॉडी, दैट विल नॉट गो फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग. इट विल बिकम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. लाइक हमारा जो हेल्थ है जल्दी से जल्दी खराब होने लगे एट अ वेरी यंग एज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट एवर मील्स यू आर हैविंग इन अ डे, स्पेशली यू आर गिविंग योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल थ्री मील्स इज लाइक प्रोटीन इनटेक. सो इन एवरी काइंड ऑफ अ डाइट, लाइक आप जो भी चीज़ खाएंगे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, यू मेक श्योर कि हर एक डाइट में आपका प्रोटीन का इनटेक होना चाहिए, है कंपल्सरी है. सेकेंड आ जाता है यू नीड टू हैव लॉट ऑफ वेजीज, ग्रीन वेजीज, विच इज़ ऑल्सो कंपल्सरी, विच गिव्स यू लॉट ऑफ फाइबर टू योर बॉडी. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नट्स. सो नट्स ऐसा लाइक नट्स ऑल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ प्रोटीन. एंड लॉट ऑफ पीपल हैज अ मिथ कि इफ यू हैव लॉट ऑफ नट्स यू विल गेन वेट, यू विल बी ओबीस. इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स टोटली अ मिथ. सो यू कैन हैव ऑल थ्री थिंग्स, प्रोटीन, वेजीज एंड नट्स. If you talk about me, like you know, how many days, like you know, workout should be done with, like you know, to any of them, minimum 3 to 4 days in a week, and minimum 3 to 4 days in a week should be like weight training. What weight training helps you? Like, if you see, like, आज के टाइम पे लोगों का जो bone density होता है, it's become very low. ठीक है, because of lot of food, because आज के टाइम पे हम जो भी खाना खा रहे हैं, उसमें उस मात्रा में nutrients और protein intake नहीं मिल पा रहे. So अगर हम weight training करते हैं तो हमारा एक बोन डेंसिटी का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है. एंड आफ्टर 30-40 के बाद डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं यू शुड हैव अ कैल्शियम. अगर वो वेट ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं तो उनको कैल्शियम की भी उतनी ज़रूरत नहीं रहती है. तो वेट ट्रेनिंग इज़ कंपलसरी फर्स्ट. सेकेंड थिंग, रेस्ट डे, 1 or 2 days इन अ वीक यू कैन डू योर फेवरेट एक्सरसाइज, लाइक मे बी योगा, जुम्बा, वॉट एवर सूट्स यू, मे बी डांस, एनी थिंग विच यू एन्जॉय. बट एटलीस्ट 3 to 4 days इन अ वीक वेट ट्रेनिंग इज़ कंपलसरी टू अचीव एनी काइंड ऑफ अ रिजल्ट. सो इसमें मैं आपको एक है ना, एक क्लाइंट का आपको अपना एग्जांपल देना चाहूँगा. पर्सनल ट्रेनर एक लाइफ, एक इंसान के लाइफ में किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिसेंटली अ क्लाइंट ऑफ माइंड, शी हैज़ अ गोल ऑफ टू क्लाइंब टाइगर मेस. सो उनके लिए कैसे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पर्सनल ट्रेनर के लाइफ में. सो वी आर सेटिंग अ गोल ऑफ हर एंड शी इज़ वेरी हाई डायबिटिक इन अ हाई डोज ऑफ इंसुलिन एंड नीड टू लूज ऑलमोस्ट क्लोज टू 25 kg, विच इज़ लाइक not compulsory and which is not possible for her to achieve that goal without a personal trainer. So a personal trainer can achieve anyone client's goal. So we need to focus, like if we hire any kind of a personal trainer in our life, they can make sure ki you should achieve your goal at a very short period of time and at your period of time. जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे ऊपर कोई ना कोई हमारे ऊपर गुरु रहता है, हमारे ऊपर कोच रहता है. सेम चीज़ फिटनेस इंडस्ट्री में आ जाता है. सेम चीज़ एक कोई भी क्लाइंट के लाइफ में पर्सनल ट्रेनर का उतना ही मायने रखता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वेट लॉस इज अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे कि हमारा जो वेट बढ़ा रहता है वो एक दिन में या दो दिन में नहीं बढ़ा रहता है, सालों लग जाते हैं उसको बढ़ने में. ठीक है, सो उसके लिए आपको उतना ही टाइम देना पड़ता है जितना आपने बढ़ाने के लिए दिया. और फिटनेस एक ऐसा चीज़ है जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी कुछ, आपको कुछ सामान लेके आना नीचे से, ले वो आप लेके आ सकते हो अगर फिजिकली फिट हो. आप अपना काम खुद से कर सकते हो, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं,
आप इजीली वो चीज़ को है ना कर सकते हो इफ़ यू आर फिजिकली फिट। सो फिटनेस बहुत ज़रूरी है डे टू डे लाइफ में, रादर फोकसिंग ऑन एनी काइंड ऑफ अ वेट लॉस। ओके, देयर आर सिक्स थिंग्स विच यू कैन डू इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज टू गेट रिड ऑफ ओबेसिटी। फर्स्ट इज अ माइंडसेट, सेकेंड इज अ गोल, एंड फॉर गोल, फॉर अचीविंग योर गोल यू शुड हैव अ गुड माइंडसेट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज अ न्यूट्रिशन थिंग। न्यूट्रिशन मीन्स वॉट, लाइक यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फूड इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लाइक यू नो हैविंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड यू हैविंग अ गुड मील, लाइक शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वेजेस, विटामिंस, मिनरल, एवरीथिंग शुड बी देयर इन योर मील। फोर्थ इज अ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुड बी एनीथिंग, वेदर यू कैन गो फॉर अ जिम फॉर वन आवर, यू कैन गो फॉर अ योगा, यू कैन डू जुम्बा, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ अ थिंग। इफ यू डोंट हैव अ टाइम, यू कैन जस्ट वॉक इन टू योर प्लेस वेर एवर यू आर। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज योर वाटर इनटेक। 70% ऑफ अ बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, सो एटलीस्ट अ ह्यूमन बॉडी शुड रिक्वायर 3 to 4 liters ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ स्लीप। सो इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज इफ यू सी वी गेट टायर्ड ऑल्सो एंड एवरीथिंग, सो वी रिक्वायर अ गुड साउंड स्लीप। स्लीप मीन्स वॉट, लाइक if the person is having a sleep for 8 hours then also they are not feeling energetic, we should have a good sound sleep. If the person is having a 6 hour sleep they are feeling more energetic, so we need to understand we should have a good sound sleep. So ye jo 6 cheez humne aapko bataya hai, agar is cheezon ko follow karte to day to day life activities mein aapka obesity ki jo chances hoti hai bahut kam ho jati hai, and but of course aapka jo physical fitness level hai bahut zyada improve hota hai। सो एज यू ऑल नो कि हम हर साल आने से पहले एक नया रेजोल्यूशन अपने आप के लिए सेट करते हैं, ठीक है, फॉर बिजनेस हो, जॉब हो, या कोई भी काम आप जो करते हो उसके लिए आप एक गोल सेट करते हो, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस का हो, आप हमेशा एक अपने लिए गोल सेट करते हो। तो स्पेशली अगर आपको कुछ भी गोल को अचीव करना है, चाहे बिजनेस करना हो, जॉब करना हो, या फिजिकली फिट रहना हो, आपको उसके लिए एक पर्सनल ट्रेनर का बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो पर्सनल ट्रेनर आपके लाइफ में क्या महत्वपूर्ण लाता है लाइफ में चेंजेस लाने में? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हम डे टू डे लाइफ में इतना बिजी रहते हैं जिसकी वजह से हमारे लाइफ में जो स्ट्रेस लेवल रहता है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक पर्सन होता है जो ऑलरेडी फिजिकल फिटनेस में है और जो ऑलरेडी इम्प्रूव कर रहा है डे टू डे लाइफ अपना फिजिकल फिटनेस के द्वारा, और एक जन बिल्कुल ही फिटनेस में नहीं है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फ्यूचर में और गोल अचीव करने में? ये आ सकते हैं कि दे आर मेंटली फिट बट दे आर नॉट फिजिकली फिट टू अचीव दैट गोल। सो इफ़ यू आर फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट, so you can achieve your goal easily, so that's that I can say you like you know take a personal trainer advice for any kind of a physical activity that will add you lot of value in your life।